तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है वो चीज़, और मेंटली बहुत मैं डिप्रेशन था वो चीज़। और मैं घर पे ही बात किया था, वही बात बोल रहे थे कि डैड का जो ड्रीम था वही पूरा कर, और पूरा करके रहा। और मेरी फियांसी का भी बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में कि वो मुझे बैक की और हमेशा वो मुझे मोटिवेट देते रही। तो बहुत बड़ा टीम का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे लिए सब। सिराज भाई, तो आप जब हैदराबाद पहुंचे थे सीधा वहीं गए थे, कैसा लगा था आपको? हाँ, मेरे लिए तो बहुत इमोशनल है, मतलब मैं डैड के टाइम पे भी नहीं था तो मेरे लिए इमोशनल था। अब मैं आया डायरेक्ट ग्रेवयार्ड गया, डैड के कब्र पे फूल चढ़ाया, इमोशनल टाइम था। दम तो है सबको कि ये ऐसा वाकया हो गया, बट मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, आपने हम सबको बहुत प्राउड किया है, इंडिया को बहुत प्राउड किया है, एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दैट यू हैव अ फियांसे एज वेल, सो यू आर ऑलरेडी एंगेज्ड, टेल अस मोर अबाउट हर एज वेल नाउ। थैंक यू सो मच। ओके, घर आने के बाद मम्मी के साथ भी आपका बहुत इमोशनल रिलेशनशिप है, फैमिली के साथ बड़े डीप बॉन्ड्स हैं, हाउ डिड शी रिसीव यू, क्या खिलाया आपको आज? हैदराबादी बिरयानी खिलाई? नहीं, जैसा मैं घर इंटरव्यू आया मॉम रोने लग गई थी, बट मैं स्ट्रांग बन के उनको पॉजिटिव दिया। तो घर पे चिकन बिरयानी ऐसा कुछ नहीं था कि नहारी पाए खाए, बहुत दिन के बाद घर का खाना खाने को मिला, अच्छा लगा घर का खाना खाकर। फर्स्ट विकेट लिए वक्त कैसा खुशी महसूस हुई आपको? आप जब पांचवा विकेट लिए थे आप तो ऊपर रह गए थे, पिताजी का याद करे थे सीधा फिफ्थ विकेट ऑल, उसके उनके लिए डेडिकेट करेंगे क्या? हाँ, मैं जो कोई भी विकेट ले रहा था मैं डैड को डेडिकेट कर रहा था हर विकेट। मेरा और महक अग्रवाल का जो सेलिब्रेशन था वही था कि सेलिब्रेशन डैड को डेडिकेट करे वो सेलिब्रेशन हर विकेट। आप कभी सोचे थे क्या सीरीज शुरू होने से पहले कि 5 विकेट लेंगे और इंडिया के मेन बॉलर होंगे ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, बट टीम में इतने इंजर्ड होने से मतलब हर कोई मुझ पर ट्रस्ट कर रहा था कि अच्छा कर रहा है तो तू ही है, अभी लीडिंग बॉलर है अभी तो मेरे ऊपर प्रेशर था, बट चैलेंजिंग भी था मेरे लिए कि ये चीज़ करना, बट मेरे को चैलेंज करना बहुत पसंद था। तो मैं वही चीज़ पे मेरा काम था कि बस प्रेशर बिल्ड करे बैट्समैन के लिए और एक ही जगह एरियाज पे हिट करते जाए, कि मेरे ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर था कि मैं ज़्यादा ट्राई ना करूं, तो वही बेटर ऑप्शन था टीम के लिए भी और मेरे लिए भी। स्मिथ का विकेट बहुत क्रूशियल था क्या मैच में? हाँ, स्मिथ का विकेट क्यों बोले तो मेरे हाथ से कैच भी छूट गई थी वो, तो मेरे लिए भी ऊपर प्रेशर था वो कैच छूटने पर। फिर जैसा मैं बॉलिंग पे आया और कॉटन बॉल में भी ग्रीन की कैच छूटी तो ज़्यादा प्रेशर था, फिर उसके बाद स्मिथ की विकेट मिलने से हमारी टीम के लिए भी हेल्पफुल हुआ और मेरे लिए भी थोड़ा प्रेशर रिलैक्स हुआ। अभी आपका करियर अभी कैसा देखेंगे आप आगे? अभी क्या, अभी तो रिलैक्स नहीं होना है मुझे, और मैं इंडिया के लिए खेलते जाऊँ और ऐसी परफॉर्मेंस करते रहूँ, यही है मेरा ड्रीम कि ज़्यादा रिलैक्स ना हो, ये परफॉर्मेंस की तरह मैं बस सोचूँ कि हाँ अच्छा परफॉर्मेंस गया, बट यहाँ से मैं कंटिन्यू रखूँ मेरे परफॉर्मेंस को। जैसे आपने वहाँ का जो क्राउड था उनका जो आपने सुना उसको आपने हैंडल किया, क्या उससे ज्यादा यहाँ पे मीडिया में आके आपको वो रियलिटी चेक दिख रहा है कि आप कितने बड़े हीरो हो गए हो और इंडिया में काफी सारे लोगों ने आपको मॉब भी किया होगा? ये तो है कि वहाँ के ऑस्ट्रेलिया क्राउड भी मतलब अब्यूज करने लगे, तो मतलब वो चीज़ मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाई वो चीज़ के मेरे, और मैं वो चीज़ को लेके मैं गेम पे अफेक्ट होने नहीं दिया, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और इट्स ओके, ये तो मीडिया है, चलता है। सो सिराज, उसी का सब क्वेश्चन, आप समझते हैं कि जस्टिस हुआ था उस मामले में जो अनरूली बिहेवियर था सिराज? हियर,
आपके साथ जो अनरोली बिहेवियर हुआ था उसमें जस्टिस हुआ बोल के आप सोचते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? तो अभी जैसे ऑडियंस है अभी वहाँ पर, अभी केस चल रहा है, अभी देखते हैं जस्टिस मिलेगा या नहीं। जब मेरा जो काम था मैं वहाँ पर खड़ा रह के मैं अपने कैप्टन को बोला कि ऐसा अब्यूज हो रहा है मेरे लिए, तो जैसा ने अज्जू भाई ने भी बोला कि अंपायर बोला था आप लोग गेम छोड़ के जा सकते हैं, तो रहने भाई ने बोला कि नहीं हम लोग गेम छोड़ के क्यों जाए, हम लोग क्रिकेट से रेस्पेक्ट करते हैं क्रिकेट को, हम गेम छोड़ के नहीं जाएंगे, आप लोग ही उन लोगों को बाहर कर सकते हैं, हम लोग तो गेम की छोड़ के नहीं जाएंगे बोल के। हाय सिराज, हेलो दिस साइड सरताज फ्रॉम आई न्यूज, सो ऑल द सीरियस क्वेश्चंस अपार्ट लेट मी आस्क अ फनी क्वेश्चन। सो यू हैव टेकन 13 विकेट्स राइट, हूज विकेट वाज योर फेवरेट एंड व्हाई? माय फेवरेट विकेट इज मानस लभूषण, फेवरेट विकेट तो मानस लभूषण की, क्योंकि जो वो सिचुएशन पे विकेट होना इंपॉर्टेंट था और मैं वो सिचुएशन पे ओवर में 2 विकेट लिया, सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे मानस लभूषण की। सिराज इधर, सिराज एक आपका जो प्रीवियस ये टेस्ट सीरीज से पहले 3 वनडे और जो T20 का जो लिमिटेड ओवर्स का जो था वो उतना ग्रेट नहीं रहा आपका परफॉर्मेंस से, अदरवाइज IPL को छोड़ दो, मतलब कंपेरेटिवली अभी जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा निकली आपकी, हाईएस्ट विकेट तेरा, बेस्ट बॉलिंग चली, 5 मिला, सब कुछ। आपका जो प्रीवियस देखा गया तो आप सूट रेड बॉल के लिए ज्यादा सूट करते थे, आप क्या समझते हैं कंपेरेटिवली लिमिटेड ओवर्स से आप इसमें बेस्ट रेड बॉल क्रिकेट के लिए आप ए सीरीज या एवरीथिंग वॉट एवर अभी जो माइक, अभी आप माइक ले लो। पहले तो मैं वाइट बॉल जब मेरा डेब्यू हुआ था मैं ज़्यादा प्रेशर ले लेता था और नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती थी, तो अभी जैसे जैसे मैं मैचेस खेलने गया तो मुझे एक्सपीरियंस भी शेयर हो रहा IPL से, और जैसे RCB ने मुझे बैक किया ये सिचुएशन पे जो मेरा इतना ख़राब सीजन चल रहा था मेरा, और जो RCB ने मुझे ट्रस्ट दिखाया और विराट भाई ने जो बैक किया मुझे वो मेरे लिए कॉन्फिडेंट की बात थी। और वाइट बॉल क्रिकेट में मतलब बॉलर की चांसेस बहुत रेयर रहते हैं T20 में, तो मुझे हेल्पफुल हुआ ये T20 में, जैसे IPL में अच्छा परफॉर्मेंस गया विद कॉन्फिडेंट की बात। जैसा हम लोग के अब मेन बॉलर बुमराह भाई थे तो वो ही मुझे अदर एंड से सपोर्ट करते थे, मतलब जब मैं 2 मैच उनके साथ खेला तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, हर बॉल टू बॉल बोल रहे थे कि ज़्यादा ट्राई नहीं एक जगह रखने के लिए बोल रहे थे। फिर उसके बाद मेरा एक स्पेल ख़राब हुआ 3rd इनिंग 4th टेस्ट में, तो बुमराह भाई बोल रहे थे ज़्यादा सोच मत, एक स्पेल गया अब भाई का सोच, जो करना है वो कर बट भाई आगे का सोच, ये हो गया नेक्स्ट का सोच। हेलो नहीं बुमराह भाई से तो बात नहीं हुई, मैं बस जाके उनको हक करा, बस दिल से ऐसा आया हक करा उनको। सिराज 2 सवाल हैं, अभी नेक्स्ट सीरीज आने वाला उसको लेके कुछ खास प्लानिंग है, और विराट VK भाई हम पिछले 2 दिनों से आपके फ्रेंड सर्कल से आपके भाई से बात कर रहे हैं, बार बार ये हो रहा है कि VK भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है आपके इस करियर में, VK भाई के बारे में बताइए, इस सीरीज में उनसे बात हुई है उसका, उसको लेके कोई बात हुई उनसे सीरीज की जीत के बाद, और आगे की क्या प्लानिंग है? पहले तो RCB ने मुझे बैक किया जो मेरा इतना ख़राब सीज़न गया था 2018 में, तो RCB ने बैक किया और मुझे रिटर्न किया। विराट भाई मुझे हमेशा बैक करते हैं कि तुझ में है दम, तू कर सकता है, बस कर, ज़्यादा सोच मत कि मेरे से ये नहीं होगा, ये ज़्यादा प्रेशर मत ले, बस जो है वो करते जा, बस यही साल में वही सोचा और वही किया, ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, नर्वसनेस भी नहीं हुआ था ज़्यादा। हेलो भैया, आपकी नेक्स्ट सीरीज इंग्लैंड से है, उसमें क्या तैयारी कर रहे हैं आप? अभी तो घर आया हूँ नेक्स्ट सीरीज के लिए, जैसा ये परफॉर्मेंस हुआ कॉन्फिडेंट की बात है, वही कॉन्फिडेंट नेक्स्ट सीरीज के लिए भी लेके जाऊँ। आप
उमेश यादव और शमी जब वो वापस आएंगे फिटनेस के बाद, तो आप अपने रोल को कैसा देखेंगे टीम में? अब टीम मैनेजमेंट है जो मुझे रोल देंगे, मैं उसके ऊपर जाऊंगा कि मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा कि वो लोग आएंगे तो मेरा ऐसा होगा, मैं बस ये सोचूंगा मेरी टीम मैनेजमेंट मुझसे क्या चाहती है मैं वो करूंगा। आप बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, एक कमेंटेटर ने कहा कि इस सीरीज के दौरान सिराज एक लड़का से फ्रॉम अ बॉय यू बिकेम अ मैन, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव गॉन थ्रू, क्या आपको भी लगा कि जिंदगी का बहुत सारी चेंजेस इस एक सीरीज में आपकी जिंदगी में आ गई? पर्सनली आप में क्या चेंजेस आए आपने देखा, क्योंकि आप डेब्यूटेंट के रूप में आए और फिर आप सीनियर के रूप में दूसरों को कॉन्फिडेंस दे रहे थे? वो तो है, क्यों बोले तो इंडिया आई के मैचेस हम लोग जितने भी अभी साथ थे, हम लोग इंडिया आई के मैचेस साथ खेले थे, तो वही मुझे ऐसा लग रहा था मैं इंडिया आई का मैच खेल रहा हूँ, ज़्यादा सोच रहा नहीं था कि मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। अगर इंडिया के लिए अगर वो सोचता तो मेरे उसमें प्रेशर आता था, तो मैं वो नहीं सोचा कि बस मैं ये सोचा कि इंडिया आई के लिए खेल रहा हूँ, वही तरह फिर से मैं बॉलिंग कर रहा था और अपने बॉलर्स को ही बैक कर रहा था। आपके चाहने वाले और दुआ जो लोग करते हैं उनके बारे में, आपको जो चाहते हैं और आपके लिए जो पीक पे आते हैं दुआ करते हैं, तो उनके बारे में अब उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और ऐसी ही दुआ करते रहिए, इंशाल्लाह मैं मेहनत ऐसी ही करूँगा इंशाल्लाह। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा है। प्लान तो कुछ नहीं था कि मैं बस डेविड वार्नर को जब भी बॉल डाल रहा था तो वो एक्सेप्ट कर रहे थे, आईपीएल में भी वो मेरा इनस्विंग के लिए एक्सेप्ट कर रहे थे, तो मेरा यही प्लान था कि उनको इनस्विंग डालूं कि उनके लिए बाहर जाए, बस वही प्लान था, मैं ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा ट्राई भी नहीं करा। हाँ फैमिली सपोर्ट और मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मैं यही बोलूँगा कि ऐसी सपोर्ट करते जाओ, अगर कुछ भी लाइफ में हासिल करना है तो बस दिल से हासिल करो, बस जुनून रहना चाहिए कुछ भी करना चाहिए तो। सिराज जी हियर, यहाँ की ऑपोजिशन कांग्रेस लीडरशिप में से टॉप कांग्रेस लीडरशिप ये कहती है कि सीनियर लीडरशिप, विदाउट सीनियर लीडरशिप इंडिया कैन विन विद जूनियर्स, इसको आप कैसा देखते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि जूनियर्स में से आप भी एक सक्सेसफुल हो? तो अभी मैं अभी बोल रहा था जैसे अभी सीनियर जितने भी इंजर्ड हुए, हम लोग यही सोच रहे थे कि अभी इंडिया के जितने भी हम लोग साथ खेले थे वही सोच रहे थे कि बस हमारा प्लान था कि बस परफॉर्मेंस करना है और ज़्यादा प्रेशर नहीं, इंजॉय करके खेलना है, बस यही प्लान था हम लोग का। नहीं मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि एज ए मैं जूनियर ही हूँ, अभी भी मैं ज़्यादा कुछ सीखा नहीं, बस मैं यही सोचता हूँ कि जहाँ पर भी जाऊँ बस परफॉर्मेंस करूँ कि ये सीनियर है जूनियर है, ये नहीं सोचता हूँ, बस जुनून दिल से खेलता हूँ बस। इंस्पिरेशन आज मान रहे हैं, आप क्या कहेंगे, आप कहीं से आए, सक्सेस होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं उस सक्सेस में? सक्सेस में पहली बात तो जुनून चाहिए सक्सेस के लिए, हार्डवर्क चाहिए, कभी भी हार्डवर्क खाली नहीं जाता, कभी भी कहीं ना कहीं तो वो पे ऑफ होता है, जुनून से खेलना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए वो चीज़ को। और पेरेंट्स खासकर समझते हैं कि स्पोर्ट्स बहुत रिस्की करियर है, उनके लिए आप कहना क्या चाहेंगे, क्योंकि आपने बार बार यही कहा है कि आपके फादर ने हमेशा आपको सपोर्ट किया, कल आपके भाई भी कह रहे थे कि आप बोर्ड एग्जाम भी बंक करके आएंगे फिर भी पापा आपको डांटे नहीं थे। हाँ बिल्कुल, कि पेरेंट्स जब आप स्पोर्ट्स खेलना चाहिए तो पेरेंट्स का हाथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो घर का हाथ नहीं रहा तो अब अपन सही सलामत से घर पे वो करियर के ऊपर भी फोकस नहीं कर सकते, अगर घर का अपना सपोर्टिंग रहा तो करियर पे भी अपन फोकस कर सकते। Both are good captain. Both are good captain. आपको support कैसा मिला? मतलब captain से support कैसा मिला? Team से support कैसा मिला? आपको इतना perform करने का mainly मतलब आपके favourite है विराट कोहली। उनके absence में आप इतना अच्छा perform किए कर पाए और आपका support कैसा था?
अज्जू भाई का मतलब ज्यादा यंगस्टर पे अज्जू भाई सपोर्ट कर ट्रस्ट कर रहे थे कि ये करेंगे, जैसे शुभमन गिल हो गया, जैसे शार्दुल ठाकुर है, नटराजन है, वॉशिंगटन सुंदर है, वो मतलब एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि तू कर सकता है, मतलब एक ओवर खराब होने से कोई उसको डांटते नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से समझाते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस की बात होती है प्लेयर्स के लिए, यंगस्टर के लिए। अभी दोनों की कैप्टेंसी में एंजॉय किया मैं। Yeah, Siraj, through this match, your recognition have been changed from the past and today. So from today, you're a world-class player, cricket player for us. So from today, you'll be having many future challenges. So how are you going to prepare for to face these challenges? अभी तो मैं यही सोचता हूँ कि मतलब मैं ये परफॉर्मेंस को ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाऊँ तो मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं यहाँ पर रिलैक्स ना हूँ, क्योंकि ये परफॉर्मेंस मेरे लिए आगे के लिए फ्यूचर सेट करता है। मैं अभी के लिए रिलैक्स नहीं होना चाहता हूँ, मतलब मेरा जो ये चैलेंज है मेरे लिए आगे के लिए मेरे इंपॉर्टेंट है, जैसा इंग्लैंड की सीरीज है, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो मैं ये चीज़ को अच्छी तरीके से लेना चाहता हूँ कि मैं रिलैक्स नहीं होना चाहता हूँ यहाँ पर। At the same time, you are the fifth player to take 5 wickets in a test match. So, how are you feeling about it? It's good. Unbelievable. मैं speechless हूँ ये performance के बारे में। मतलब मैं जब भी सोचता हूँ कि ये हो गया क्या मेरे से, मतलब एक like a dream. At the same time, do you think this is the best answer for all those Australians who have criticized you on the basis of racism? Exactly. मेहनत करे तो हर कोई सपोर्ट करेगा भाई, इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी यंगस्टर में जुनून है कि क्रिकेट के लिए जाए, क्रिकेट में खेलना हर किसी का जुनून है, तो बस वो चीज को अपने दिल से खेले और दिल से वो चीज को रेस्पेक्ट करे तो कहीं ना कहीं वो जाके सक्सेस मिलेगा। जो मिस हो रहे हैं अभी आपके हिसाब से, जैसे आपका जर्नी बहुत मुश्किल रहा, तो ऐसे टैलेंट्स और मिलेंगे हैदराबाद में, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं, यहाँ पर हैदराबाद में बहुत सारे क्रिकेटर हैं खेलने वाले, अगर चाहे तो हो सकता है, बट वो करना चाहिए लाइफ में, हार्ड वर्क करना चाहिए, मतलब इतना इजी नहीं मिलता है कि सक्सेस, उसके पीछे मेहनत करना जरूरी है। उसी के लिए, उसी के साथ एक और क्वेश्चन, आप जैसे बोल रहे हैं कि टैलेंट होना चाहिए, पर साथ ही साथ ये भी बात सुनने में आ रही है कि कई जगह पे करप्शन भी होता है, एक प्लेयर को आगे लेके जाने के लिए कुछ अमाउंट फीस भी मांगी जाती है, अनलॉक सॉरी करप्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं कि टैलेंट होना चाहिए पर साथ ही साथ अथॉरिटीज के तरफ से कुछ फीस मांगी जाती है, जैसे करप्शन, मतलब एक प्लेयर को आगे लेके जाने के लिए, तो उस पे आपका क्या कहना है? अभी तो वैसा मतलब प्लेयर का जो मानना है कि पैसे लेते हैं वो दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई पैसा नहीं लेता है, टैलेंट देखा जाता है, पैसा तो कोई नहीं लेता है, क्योंकि ये सोचते कि अरे ये पैसा लेगा वो लेगा, मगर पैसा तो कोई नहीं लेगा, अगर आपके पास टैलेंट है तो पैसा क्यों लेगा। निरंतर न्यूज अपडेट कोसम चैनल नो सब्सक्राइब चेंडी, पक्कने उंडे बेल सिंबल नो क्लिक चेयडम मर्चिपोकंडी, अपडेट्स नी मिस अवकंडी। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक कमेंट शेयर, फॉलो ऑन फेसबुक गूगल प्लस ट्विटर इंस्टाग्राम, फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब ग्रेट तेलंगाना टीवी।